सो इस फ्राइडे काफ़ी सारे मूवीज आई है जिनमें से एक है लापता लेडीज, डायरेक्टेड बाय किरण राव एंड प्रोड्यूस बाय आमिर खान। एंड बिलीव मी, काफी मतलब काफी बढ़िया मूवी है। चाचा प्रणाम, आपकी बहू। सो लापता लेडीज स्टारिंग स्पर्श श्रीवास्तवा एस दीपक, नितांशी गोयल एस फूल कुमारी और प्रतिभा एस पुष्पा रानी, एक काफी ग्राउंडेड मूवी है जो आपको पूरा मूवी के अंदर खींच लेती है। मूवी की कहानी 2001 के टाइम में एक निर्मल प्रदेश नाम के गांव में सेट है, जहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जनरली लोगों के पास फोन नहीं है और अगर फोन है तो टावर नहीं है। और जिस तरीके से किरण राव ने ये 2001 वाली दुनिया दिखाई है वो काफी रियल लगती है। वहाँ के लोग, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल, उनके घर, वो गांव, वो रस्ते, उनकी लैंग्वेज और सबसे जरूरी उस समय की मेंटालिटी, सब कुछ काफी रियल लगता है। वेल, मूवी की शुरुआत होती है अपने मूवी के मेन कैरेक्टर्स दीपक और फूल की शादी के साथ, मगर वहाँ से वापस आते वक्त कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से दीपक की वाइफ किसी और की वाइफ के साथ एक्सचेंज हो जाती है। और ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो काफी अनबिलीवेबल लगता है, मगर जिस तरीके से इसको स्क्रीन पर दिखाया है आप तुरंत मान जाओगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, टोटली बिलीवेबल। और फिर ये जो सिचुएशन खड़ी हुई है उसके बेसिस पर हमें कॉमेडी, ड्रामा, इमोशंस और काफी सारे इम्पोर्टेंट मैसेज इस मूवी के जरिए कन्वे किए गए हैं। और ऐसी मूवीज जहाँ पर कोई मैसेज कन्वे करना होता है उसके बैकफायर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि कई बार ये सब चीजें काफी फोर्सफुली एड की गई हो ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज बिल्कुल नहीं हुई, सिर्फ 2 घंटे की मूवी है और सब कुछ एकदम फ्लो में जा रहा था। जो मैसेज था वो भी काफी अच्छे से कन्वर्सेशन में बैठ रहा था, ऐसा नहीं था कि हाँ ये बोलना है तो कहीं पर भी कुछ भी बोल दिया। इन शॉर्ट मूवी की राइटिंग काफी अच्छी है, मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं करती, मूवी ड्रैग नहीं हो रही होती और मूवी अपनी बात रखती है बिना किसी को हर्ट किए, मे बी एक्सेप्ट 1%। आई मीन मूवी में ऑलमोस्ट सब कुछ काफी बैलेंस्ड है, सारे के सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, फिर चाहे वो लीड कैरेक्टर्स हो या फिर साइड कैरेक्टर्स, काफी बढ़िया कास्टिंग की है, मूवी का म्यूजिक भी काफी बढ़िया है और म्यूजिक की चॉइस एंड प्लेसमेंट भी काफी अच्छी है। एंड मूवी में जो रवि किशन के कैरेक्टर का पूरा कैरेक्टर आर्क दिखाया है वो देखने में मुझे काफी मजा आया और उनकी परफॉर्मेंस भी काफी खूबसूरत थी। सो ओवरऑल मूवी ऐसे कोई ग्रैंड टाइप की या फिर मास्टरपीस नहीं है, एक सिंपल और स्वीट सी फिल्म है जिसकी राइटिंग काफी अच्छी है, जहाँ पर सबने अपना काम काफी बढ़िया तरीके से किया है और मूवी अपने मैसेज को अच्छे से बताती है। और कोई बुराई करने जैसा फैक्टर है नहीं इस मूवी में। और हाँ, अगर आप लोग ये सोचकर मूवी देखने जा रहे हो कि मूवी पूरी कॉमेडी से भरपूर होगी, तो पहले ही बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। कॉमेडी इस मूवी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी पूरी मूवी ऑलमोस्ट ड्रामा पर बेस्ड है। और हाँ, आपको मूवी को एक मैसेज वाली मूवी समझकर देखनी है या फिर एक एंटरटेनमेंट वाली मूवी, वो आपके ऊपर है, मगर मूवी इन दोनों चीजों में काफी अच्छा बैलेंस रखकर चलती है। सो यस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर लापता लेडीज एंड आई होप कि वर्ड ऑफ माउथ से ये मूवी चला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे मामा की खास दोस्त की बेटी हाय रूपा नालिया।